दिल्ली मेट्रो वाली बिकनी गर्ल कौन है? मेट्रो में माइक्रो ड्रेस पहनकर घूमी, तो इन पर लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शंस दिए। दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर एक लड़की बड़े बिंदास अंदाज में घूमती दिखाई दी। इनका नाम रिदम छनाना है, जिनकी उम्र महज 19 साल बताई जा रही है। ये अपने बोल्डनेस की वजह से इस समय सोशल मीडिया में खूब छाई हुई हैं। इनकी चर्चा इन दिनों किसी सेलिब्रिटी की तरह हो रही है। मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनके इस शॉर्ट ड्रेस वाले अवतार पर अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ तो इस मेट्रो वाली बिकनी गर्ल के इस बोल्ड अवतार को लेकर डिबेट करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की के पहनावे को लेकर रानी भौमिक लिखती हैं, आजकल लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, अंग्रेजी बोलना तो जानते हैं, लेकिन शायद ये लड़की फ्रीडम शब्द का मतलब ही भूल गई है। यह ठीक है कि हमें चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी मर्यादा के बारे में भी विचार करना चाहिए। उसकी जैसी लड़कियों की वजह से मुझे और आप जैसी लड़कियों को डरना ही पड़ता है। एक और व्यूअर अंकित खरब लिखते हैं कि खुद की आजादी उतनी ही होती है जहां तक दूसरों की आजादी को तकलीफ ना हो। ये समझना चाहिए कि जो आजकल ये हरकत करते हैं, दे मस्ट बी पनिश्ड। अमित पटेल लिखते हैं, अगर ये आजादी है तो ट्रेन में सिर्फ बनियान पहने हुए आदमी को अरेस्ट क्यों कर लिया जाता है? फ्रीडम सिर्फ लड़कियों को क्यों? हालांकि ये किस घटना की बात कर रहे हैं उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। डे नाइट ट्रेवलर के नाम से एक और व्यूअर कमेंट करते हैं कि मेरा मानना है कि जब ये लड़की मेट्रो में एंट्री कर रही थी तभी उसे रोक दिया जाता तो इतना बवाल नहीं होता और इतनी पब्लिसिटी भी नहीं मिलती। एक और व्यूअर अभिजीत भट्टाचार्य लिखते हैं, अलग अलग कपड़े पहनने के लिए अलग अलग जगह होती है। अगर आपको बिकनी पहननी है तो बीच पर जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। मेट्रो में यात्रा करते समय आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अभिनव कुमार लिखते हैं, इस कपड़े से प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ऐसे कपड़े पहनकर मेट्रो में चढ़ने से प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी भीड़भाड़ वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनसे कोई मेल गलती से भी टच हो गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। बाकी बीच पे तो लड़कियां बिकनी पहनती ही हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। वन इंडिया हिंदी की एक व्यूअर अवंतिका भारद्वाज ने इस तरह की खबरों को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से दिखाने के लिए वन इंडिया हिंदी की सराहना की है। अवंतिका भारद्वाज लिखती हैं कि मैं नहीं जानती कि कौन इस चैनल को संभालता है और वीडियो अपलोड करने का अधिकार रखता है, लेकिन आपने लड़की को धुंधला करके बहुत अच्छा काम किया है। ये सबसे समझदार चैनल है। आपको बता दें कि रिदम छनाना की जिस वीडियो पर इतनी चर्चा हो रही है उसमें वो मेट्रो में कुछ अन्य महिला यात्रियों के बीच छोटे कपड़े पहने हुए नजर आई थीं। अपने एक बयान में रिदम ने कहा कि अगर कुछ लोगों को उनके छोटे कपड़े पहनने से परेशानी हो रही है तो फिर उन लोगों से भी होनी चाहिए जिन्होंने इसकी ये वीडियो बनाई। रिदम का कहना है कि उसे फेमस होने का कोई शौक नहीं। उसने ये भी कहा कि वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि लोग उसके बारे में या उसके पहनावे के बारे में क्या सोचते हैं। जब उससे ये पूछा गया कि कुछ लोग उसकी तुलना उर्फी जावेद से कर रहे हैं तो उस पर रिदम ने कहा कि वो नहीं जानती कि उर्फी जावेद कौन है। हालांकि उसने ये जरूर बताया कि उर्फी के बारे में उसके एक दोस्त ने उसे बताया था, लेकिन उसके जैसा बनने का रिदम का कोई इरादा नहीं है। रिदम ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में जैसा रहना चाहती हैं वैसे ही रहेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।